फाइंड द रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। सो देखिए, 6x² माइनस 1x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो फर्स्ट टर्म इज 6x², तो इसके फैक्टर में लिखता हूँ 2x इंटू 3x, एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज 2, इसके फैक्टर 1 और 2, क्योंकि यहाँ पर मिडल टर्म भी नेगेटिव है और लास्ट टर्म भी नेगेटिव है, इसलिए बड़े वाला नंबर नेगेटिव और छोटे वाला नंबर पॉजिटिव रखना है। अब देखो, यहाँ इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो मिलता हमें -4x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 3x, दोनों को ऐड करते हैं तो आता है -1x, विच इज़ द मिडल टर्म। सो हम -1x को दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, एक होगी -4x और दूसरी होगी +3x। सो 6x² माइनस 4x प्लस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। दो दो टर्म्स का हम पेयर बनाते हैं, पहली दो टर्म्स का पेयर बनाया, लास्ट दो टर्म का पेयर बना लेते हैं। यहाँ से 2x कॉमन आता है तो 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ 3x और यहाँ रह जाएगा 2, प्लस इन दो पेयर से हमें 1 कॉमन मिलता है तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। टेकिंग 3x माइनस 2 इज कॉमन, सो 3x माइनस 2 इंटू 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। बाय जीरो प्रोडक्ट रूल से 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2/3, x इज इक्वल टू -1/2। क्लियरली हम देख सकते हैं यहाँ से कि आफ्टर टू स्टेप्स डायरेक्ट हम तीसरे स्टेप यहाँ से पता लगा सकते हैं कि हमारे दो फैक्टर बने, एक बना 2x प्लस 1 और दूसरा बना 3x माइनस 2। तो क्लियरली यहाँ से हमें दो फैक्टर दिख रहे हैं, 2x प्लस 1 और 3x माइनस 2। क्वेश्चन 2, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले इस फ्रैक्शन को रिमूव करना है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है तो इसका एलसीएम 8 आएगा। सो हम इस इक्वेशन को पहले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। द फर्स्ट टर्म इज 16x², सो इसके फैक्टर 1 और 16, द राइट एंड द कॉन्स्टेंट टर्म इज 1, सो इसके फैक्टर 1 और 1, या मिडल टर्म नेगेटिव है और लास्ट टर्म पॉजिटिव है, सो दोनों ही नंबर नेगेटिव होंगे। ये ध्यान रखना है कि जब मिडल टर्म नेगेटिव हो और लास्ट टर्म पॉजिटिव हो तो ये दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे, दोनों 1 के फैक्टर नेगेटिव होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता हमें -1, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मिलता है -16। इनके साथ अगर हम x लगा दें तो ये हो जाएगा -1x माइनस 16x, एड करने पर आता है -17x, जो हमें मिडल टर्म नहीं मिलते, -8 नहीं मिल रहा। इसका मतलब दिस स्टेप नॉट वर्क, ये स्टेप काम नहीं करेगा। सो अब हम क्या करें, 16x² के फैक्टर को हम चेंज करते हैं तो 16x² के फैक्टर में लिख सकता हूँ 4x, 1 के फैक्टर 1 और 1, क्योंकि मिडल टर्म नेगेटिव और लास्ट टर्म पॉजिटिव है तो 1 के दोनों फैक्टर नेगेटिव होंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, यहाँ से हमें मिला -4x, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें यहाँ से मिलेगा हमें -4x, दोनों को ऐड करते हैं तो -8x, जो कि मिडल टर्म है। सो -8x को हम दो टर्म्स में ब्रेक कर सकते हैं, -4x और -4x। सो 16x² माइनस 4x माइनस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से पेयर बना ले दो दो टर्म्स का, तो यहाँ से माइनस 4x कॉमन आता है 4x माइनस 1, यहाँ से माइनस 1 कॉमन आता है 4x माइनस 1। सो 4x माइनस 1 कॉमन ले, दोनों टर्म से 4x माइनस 1 कॉमन ले तो 4x माइनस 1 इंटू 4x माइनस 1, यहाँ से बचेगा 4x और इस टर्म से बचेगा -1। बाई जीरो प्रोडक्ट रूल से 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/4, यहाँ से x इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन 3, 6x² माइनस रूट 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। सो 6x², इसके फैक्टर हम लिखते हैं 1x, 6x, 2 के फैक्टर 1, 2, बट मिडल टर्म इज माइनस रूट 2x, तो सो कोफिशियंट ऑफ x इज माइनस रूट 2, सो फैक्टर ऑफ 2 इन टर्म्स ऑफ रूट 2, सो फैक्टर ऑफ 2 इन टर्म्स ऑफ रूट 2, वी राइट रूट 2 रूट 2। बोथ टर्म्स मिडल टर्म एंड लास्ट टर्म नेगेटिव, सो लार्जर नंबर
नेगेटिव और स्मॉलर नंबर पॉजिटिव, बोथ आर सेम, सो वी पुट साइन बिफोर दीज नंबर्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, रूट टू एक्स माइनस सिक्स रूट टू एक्स, एड करते हैं तो माइनस फोर अंडर रूट टू एक्स विच इज नॉट द मिडल टर्म, सो दिस स्टेप इज नॉट वर्क. नाउ आई चेंज द फैक्टर ऑफ सिक्स एक्स स्क्वेयर, दिस इज टू एक्स, थ्री एक्स, रूट टू, रूट टू, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये माइनस टू रूट टू एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट, सॉरी प्लस टू रूट टू एक्स, वी गेट माइनस थ्री रूट टू एक्स. ऑन एडिंग, जोड़ने पर क्या मिलता हमें, माइनस रूट टू एक्स विच इज मिडल टर्म, सो माइनस रूट टू एक्स स्प्लिट इन टू टर्म्स, टू रूट टू एक्स एंड माइनस थ्री रूट टू एक्स, सो सिक्स एक्स स्क्वेयर प्लस टू रूट टू एक्स माइनस थ्री रूट टू एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो, मेकिंग पेयर्स ऑफ टू टर्म्स, दो दो टर्म के पेयर बना लें, यहाँ से टू कॉमन आता है राइट, एक्स कॉमन आता है, वी गेट थ्री एक्स प्लस रूट टू. हेयर माइनस कॉमन लेते हैं और रूट टू कॉमन लेते हैं, वी गेट थ्री एक्स प्लस टू अपॉन रूट टू. नाउ टू एक्स, थ्री एक्स प्लस रूट टू माइनस रूट टू, थ्री एक्स प्लस टू अपॉन रूट टू, रूट टू, थ्री एक्स प्लस रूट टू कॉमन आता है, कॉमन निकाल लें, थ्री एक्स प्लस रूट टू, टू एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो बाई जीरो प्रोडक्ट रूल, थ्री एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, टू एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू, एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू अपॉन थ्री, टू एक्स इज इक्वल टू रूट टू, एक्स इज इक्वल टू रूट टू अपॉन टू. नाउ क्वेश्चन नंबर फोर, रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस सेवन एक्स प्लस फाइव रूट टू इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट टर्म इज रूट टू एक्स स्क्वेयर, सो वी राइट, आई राइट द फैक्टर ऑफ रूट टू एक्स स्क्वेयर, वन एक्स और रूट टू एक्स, फाइव रूट टू, इसके फैक्टर फाइव रूट टू. बट स्मॉलर नंबर राइट फर्स्ट एंड लार्जर नंबर राइट सेकेंड, सो फर्स्ट आई राइट टू रूट टू, देन आई राइट फाइव, बोथ आर पॉजिटिव, मिडल टर्म पॉजिटिव, लास्ट टर्म पॉजिटिव, सो नंबर्स आर पॉजिटिव, क्रॉस मल्टीप्लाई, दिस इज फाइव एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, रूट टू एक्स इंटू रूट टू, टू एक्स, ऑन एडिंग वी गेट सेवन एक्स विच इज मिडल टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो सेवन एक्स स्प्लिट इन टू टर्म्स, फाइव एक्स और टू एक्स, रूट टू एक्स स्क्वेयर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस फाइव अंडर रूट टू इज इक्वल टू जीरो, एक्स कॉमन ले, रूट टू एक्स प्लस फाइव, इन दोनों से टू कॉमन लेते हैं, बट द फैक्टर इज रूट टू एक्स प्लस फाइव, सो यहाँ भी रूट टू एक्स प्लस फाइव होना चाहिए, सो आई राइट रूट टू एक्स प्लस फाइव, सो यहाँ टू एक्स है, तो ये टू एक्स कब बनेगा, जब हम यहाँ रूट टू लिखेंगे, रूट टू इंटू रूट टू, टू एक्स बनेगा, सो आई राइट हेयर आउटसाइड दिस फैक्टर इज रूट टू, सो रूट टू इंटू रूट टू एक्स, टू एक्स, रूट टू इंटू फाइव, फाइव रूट टू, रूट टू एक्स प्लस फाइव टेकिंग कॉमन, टेकिंग आउट कॉमन, वी गेट एक्स प्लस रूट टू बाई जीरो प्रोडक्ट रूल, रूट टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो, एक्स प्लस रूट टू इज इक्वल टू जीरो,
रूट टू एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन रूट टू, दिस इज एक्स इज इक्वल टू माइनस रूट टू. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री एक्स स्क्वेयर माइनस टू अंडर रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो. फर्स्ट टर्म इज थ्री एक्स स्क्वेयर, सो मैं इसके फैक्टर लिखता हूँ वन एक्स थ्री एक्स. कॉन्स्टेंट टर्म इज टू, सो इसके फैक्टर लिखता हूँ वन टू. बट मिडल टर्म इज माइनस टू रूट सिक्स, सो आई राइट द फैक्टर ऑफ टू इन टर्म्स ऑफ रूट सिक्स. बट टू कैन नॉट बी रिटन इन द टर्म्स ऑफ रूट सिक्स, सो आई राइट टू इन टर्म्स ऑफ रूट टू, रूट टू इंटू रूट टू. बट ओके, दिस टर्म इज नेगेटिव, मिडल टर्म इज नेगेटिव एंड लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, सो लार्जर नंबर इज, सो बोथ आर नेगेटिव, सो बोथ आर नेगेटिव, सो बोथ नेगेटिव. नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, तो माइनस थ्री रूट टू एक्स, दिस इज क्रॉस, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो माइनस रूट टू एक्स, ऑन एडिंग वी गेट माइनस फोर रूट टू एक्स विच इज नॉट द मिडल टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो दिस इज नॉट वर्क, दिस स्टेप इज नॉट वर्क. सो नाउ आई चेंज द फैक्टर्स ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर. नाउ आई राइट द फैक्टर ऑफ थ्री एक्स स्क्वेयर इज, दिस इज रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स. टू को लिख सकते हैं माइनस, टू को लिख सकते हैं रूट टू, रूट टू, क्योंकि मिडल टर्म नेगेटिव और लास्ट टर्म इज पॉजिटिव, सो बोथ फैक्टर ऑफ टू इज नेगेटिव. क्रॉस मल्टीप्लाई वी गेट माइनस रूट सिक्स एक्स, रूट थ्री एक्स इंटू माइनस रूट टू माइनस रूट सिक्स एक्स. क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी, रूट थ्री एक्स की माइनस रूट टू से वी गेट माइनस रूट सिक्स एक्स, ऑन एडिंग वी गेट माइनस टू रूट सिक्स एक्स विच इज द मिडल टर्म ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. सो माइनस टू रूट सिक्स एक्स स्प्लिट इंटू टू टर्म्स, वन इज माइनस रूट सिक्स एक्स एंड अदर इज माइनस रूट सिक्स एक्स. सो दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज माइनस रूट सिक्स एक्स माइनस रूट सिक्स एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो, मेकिंग पेयर ऑफ टू टर्म्स, दो दो टर्म्स के पेयर बनाएं. यहां से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, क्लियरली फ्रॉम दिस वी सी दैट वी हैव टू फैक्टर थ्री एक्स माइनस रूट टू एंड थ्री एक्स माइनस रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू. वी हैव टू फैक्टर रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू. सो फर्स्ट आई राइट थ्री, रूट थ्री इंटू रूट थ्री. रूट सिक्स को लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट थ्री एक्स, रूट सिक्स रूट टू इंटू रूट थ्री, रूट टू को लिख सकता हूँ रूट टू इंटू रूट टू. मेकिंग पेयर्स ऑफ टू टर्म्स वी गेट कॉमन, क्लियरली वी गेट कॉमन रूट थ्री एक्स, रूट थ्री एक्स कॉमन लें तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू. यहाँ से रूट टू कॉमन ले वी गेट रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू. रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू कॉमन आ रहा है तो कॉमन निकाल लें इसको. कॉमन निकालने पर वी गेट द फैक्टर रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू. क्लियरली वी सी दैट फ्रॉम दिस स्टेप्स हमें ये दो फैक्टर मिलेंगे, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, ये दो फैक्टर मिले. नाउ बाय प्रोडक्ट जीरो, जीरो प्रोडक्ट रूल से रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो. सो एक्स इज इक्वल टू ये अंडर रूट टू अपॉन रूट थ्री और एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट टू अपॉन अंडर रूट थ्री.